कैंसिल कर दो। सुनिए, मैं यहाँ अपने एडमिशन के लिए नहीं, अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आई हूँ। ये है गिन्नी अहलूवालिया और ये है राशि आहूजा। हाय। तो एडमिशन हो गया ना? जी। देन लीव। क्या? क्या हम अपने बच्चों को देख नहीं सकते? क्यों? इन्हें आप घर पे देखती नहीं क्या? मतलब? मतलब? Just go from here. अगर आप उनको डांस करते देखना है तो कल देखिएगा। डैडी के मैजिकल टच के बाद इन्हें एक दिन में मैं ऐसे ट्रेन कर दूंगा कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे। For now, just go. All right, boys and girls, let's go, let's go, let's go. So, what's your name, stop? ओए गिन्नी, राशि, तुम दोनों ना साथ साथ ही रहना, हाथ पकड़ के ही रहना, यहाँ वहाँ मत जाना। शाम को ना डैडी जी को भेजूंगी पिकअप करने के लिए, ठीक है? बस यहीं बैठे रहना, कहीं खो मत जाना। हाँ माँ, बाय। बाय, लेट्स मूव। बाय, राशि, लेट्स गो, लेट्स गो। हाय मॉम तारो। हाँ? नहीं कुछ नहीं, मैं एक मॉम शब्द को जापानीज़ ट्राइबल स्टाइल में बोल। ओ तो चुप कर, माँ को मॉम बोलता है उतना ही बहुत है। मॉम तारो, चल जा कार में से सामान लेकर आ। एक ते दो तीन ते पंच आठ एक है, दस दस ते एक ग्यारह ते दो तेरह, तेरह ते एक चौदह। क्या बताऊँ बाबूजी, आजकल का जमाना इतना बदल गया है ना, आजकल तो हर बात पर डर लगता है। बच्चों पर बुरा असर पड़ने में दो मिनट नहीं लगता। क्या हुआ बहू, तुम तो गिन्नी को क्लास में छोड़ने गई थी ना? बस वहीं से आ रही बाबूजी, उस डांस क्लास के टीचर से मिली। क्या नाम है उसका? वो टेडी। हाय कितना अजीब आदमी है, क्या समझता है खुद को, बदतमीज, एक नंबर का घमंडी। होगा कोई स्टार डांसर, अरे घर चला कर दिखाया तो जानू। और वो घर क्यों चलाएगा, वो तो उसके तो डांस क्लास है, बड़े हिट है। अरे होंगे हिट, वो पता चल जाएगा कल के कॉम्पिटिशन में। मुझसे कहता है कि एक दिन में तुम्हारे बच्चे को ऐसे ट्रेन कर दूंगा कि तुम अपने बच्चे को पहचानोगे भी नहीं। ऐसे कैसे नहीं पहचानेंगे अपने बच्चों को, हाँ? पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तेरे एक दिन की ट्रेनिंग में हम अपने बच्चों को नहीं पहचानेंगे। डांस क्लास कैसा था? मैं इसे आ रही हूँ बेटा, पूछ मत कैसा था। उसके टीचर से मिली, एक नंबर का नमूना है, नमूना। वहाँ तो राशि और गिन्नी को छोड़ते हुए डर लग रहा था। अरे मॉम, टैलेंटेड लोग होते ही अजीब, जितने ज्यादा टैलेंटेड उतने ज्यादा अजीब। आप नहीं समझोगे मॉम तारो। आउट, आई मीन मॉम। लेट्स टेक द अटेंडेंस वंस। राइट, नताशा प्रेजेंट सर। मीनल। विवेका प्रेजेंट सर। गिनी प्रेजेंट सर। ओके, राशि यस सर। गुड, आई लाइक इट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो बोलता कम है और सुनता ज्यादा है, जो जल्दी सीखता है और ज्यादा सवाल नहीं करता। मैं आज और कल के सेशन में आपको डांस के बेसिक सिखाऊंगा और कल शाम को आप दो दो के पेयर्स में अपने पसंद के गाने में परफॉर्म करेंगे और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे 14 किड्स चुने जाएंगे। हमें ना कैसे भी करके इन 14 स्टूडेंट्स में आना ही है। भूल जा राशि, यहाँ सब कितने टैलेंटेड लग रहे हैं, हमारा कोई चांस नहीं है। गिन्नी, परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले क्यों हार मान जाती है? देख, हमारा परफॉर्मेंस सबसे हिट होगा। मौसा तारो और मौसी तारो हैं और साथ में सनी और रवि मुफ्त। हेलो, प्लीज कम, वेलकम। मौसा तारो मौसी तारो क्या है? कोई नई लैंग्वेज सीख रहे क्या? सर मिलन, नमस्ते। हाय जी, ठीक हो? अरे गिरा बेटा, गिरा पुत्र, आज का सुपरस्टार है, आज का जय तो जय है। दी बताइए ना, क्लासेस कैसी थी? अरे क्या बताओ पिंकी, पूछ मत। मैं वहाँ के टीचर से मिलकर आई, वो टेडी। अरे बहू जरा चाय नाश्ते का प्रबंध करो, मैं बताऊंगा इन्हें टीचर के बारे में। बोलकर क्या फायदा बाबूजी, कुछ बदलने थोड़ी वाला है, जमाना बहुत बदल गया। सही कह रही है, सही कह रही है।
क्या हुआ? वो क्लास तो शायद ठीक ही लगी, लेकिन हमारी बहू को जो टीचर था ना, उनकी पारखी नजरों में खरा नहीं उतरा। 10 minutes. You guys have 10 minutes to decide. अपनी पसंद का गाना डैनी को बताएंगे और वो आपके लिए ये गाना अरेंज करेगा और फिर आप सब लोग रिहर्सल शुरू कर सकते हैं. ओके? नो 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 ऑर्गेन्जा. आई सेड ऑर्गेन्जा. डैडी अपनी क्रिएटिविटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. राशि, हम ना कोई एक आसान सा गाना चूज करेंगे, उसमें कोई सिंपल सा स्टेप हो जाएगा. You know what, Ginni? सिंपल से गाने में सिंपल से स्टेप्स होंगे तो सिंपली मार्क्स मिलेंगे. हमें कैसे भी करके टॉप 14 में आना ही है. Hi. Hi. My name is Jyoti. I'm Raashi. Hi. Hi. तुमने गाना चूज कर लिया? हाँ, ऑफ कोर्स, शीला की जवानी. शीला की जवानी. That's a very nice song. What nice song? राशि, ये गाना, मुझे पता है ये गाना माँ मुझे सुनने भी नहीं देती, और अगर टीवी पे आता है ना, तो चैनल बदल देती है. No, मोन की नहीं, stop it. अगर कंपटीशन में रहना है ना, तो ये सब भूल जा. जो है तो वही से फिर. और देखना, हम भी ना ऐसा ही कोई तड़कता भड़कता गाना चूज करेंगे. Alright students, come on. अपने गाना डिसाइड किया, कौन सा करेंगे? कौन सा गाना करेंगे आप? शीला की जवानी. नाइस. और आप? हमने फेवी कॉल. What? Nice. Selected. Students, always remember, गाना जितना तड़कता भड़कता होगा, परफॉर्मेंस उतना ही हिट होता है. राइट? यस सर. यस सर. सर, हू इज द हियर? आई एम टेडी. कॉल मी टेडी. ओह, टेडी. ऑलराइट, डैनी म्यूजिक. कम ऑन. ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे और डैनी ने कॉस्ट्यूम का रूम खोल दिया है, तो आप अपने कॉस्ट्यूम अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग चूज करेंगे. ऑलराइट, नाउ कीप प्रैक्टिसिंग. गुड जॉब. सी यू. राशि, अगर कॉस्ट्यूम्स फिट नहीं आए तो क्यों नहीं, हम ऑल्टर भी तो करा सकते हैं, है ना? और तू इतने सवाल क्यों करने लग गई है Ginni? पता है टेडी बेयर ने क्या कहा था? अच्छा. और भाई, क्या हालचाल है? अच्छा, तो पार्टी मेरे बिना ही शुरू कर दी तुम लोगों ने? नहीं नहीं पापा जी, अभी नाश्ता लगाया है. आपके लिए ना समोसा निकाल के रखा ले. वेरी गुड. क्या हाल है तेरा? ए भगवान, इसको बहादुर बोलना बंद भी कर दो. ओए सनी, चल सच बता, तूने सबके सामने सच इसलिए कहा ना क्योंकि तू जान चुका था मौसा और मौसी को सच पता चल और घर जाके तेरी बैंड बजेगी, है ना? ऐसा कुछ नहीं है. अबे चल. मम्मा बोलो ना इन्हें मुझे. बेटा, एवे तेरी खिंचाई कर रहा है, बड़ा है ना तुझसे. भाई रॉकी, खबरदार मेरे सनी को कुछ बोला तो. सच तो बोलना ही था इसने. भाई ईमानदारी का सबक मेरे से तो सीखा है. कन्हा समोसा खाइए इसलिए. आप तो ऐसे बात करें जैसे बच्चों की परवरिश आपने की है. और नहीं तो क्या, और दोनों बेटियों की परवरिश मैंने ही तो की है, तभी तो इस काबिल बनी है कि अपने बच्चों की देखभाल कर सके. ये बात तो सही है कन्हा साहब, सॉरी है. अंकल जी, आप हम दोनों को तो भूल ही गए, हमें भी तो क्रेडिट दीजिए. तुम दोनों ना निकम्मे हो, निकम्मे. राजीव, पापा जी ने आपको भी मेरी कैटेगरी में डाल दिया है. हाँ जी, पहली बार, मुबारक हो.
पापा जी, आप हमारे पतियों को ना ऐसे नहीं बोल सकते, हमें अच्छा नहीं लगता। पुत्री। बिल्कुल पापा जी, हम दोनों अपने पतियों की तरफ हैं, है ना जी? ओए होए। चलो ये बात है तो इन दोनों को भी नंबर दे देते हैं, अब तो खुश हो। हाय हाय, व्हाट अ फैमिली, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। बदमाश, क्या हो गया? ये फैमिली सोप एक्शन थ्रिलर कब से बन गया? लकी जी, आप ना सिर्फ घड़ी पर नजर रखिए, बच्चों को डांस क्लास से लेने जाना है। रख लीजिए, आ तो सकता हूँ ना घड़ी पे नजर रखते रखते। गिनी, ये देख। राशि, हाँ, ये कॉस्ट्यूम कौन पहनेगा? देख, मुझे ड्रेस मिल गई, बता। ये पहनेंगी और शायद जीत भी जाएगी। हमें ना चल से कोई ढंग की कॉस्ट्यूम देखनी होगी, वरना सारी अच्छी चली जाएंगी। हाँ, ये तुझ पर अच्छी लगेगी। What? I am sorry राशि, मैं ये नहीं पहनूंगी। सुना नहीं टेडी बेयर ने क्या कहा, परफॉर्मेंस में एंटरटेनमेंट होने वाली है और ये कॉस्ट्यूम्स ना एंटरटेनमेंट वाली है। तेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरा शोर है, मैं ना कैसे भी करके टॉप 14 में आने वाली हूँ। अगर तुझे भी आना है ना तो पहन लेना। राशि, अगर माँ को पता चल गया तो? माँ को तब पता चलेगा ना जब हम बताएंगे। आप लोग में से गिन्नी और राशि कौन है? हाँ, मैं। आपके पापा आपको लेने आए हैं। मौसा जी लेने आए। चलेगी? What's up dancing sisters? कैसा था? बहुत अच्छा भैया, इस राशि ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? रीत, किनी मेरी बहन ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड भी है, हमें तोड़ने की कोशिश भी मत करना। तुम दोनों की आपस में बनती नहीं है ना, वो पूरा वे तो तू पश्चिम है, इसलिए बेचारी रावी ने पूछा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अरे बेटा, टीचर ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? तुम्हारी मम्मी कह रही थी बड़ा खड़ूस किस्म का बंदा है। नहीं दादू, ऑल ओके। ये लो भाई, डांस करके आए हो, थक गए होगे, लो दूध पी लो। बहुत गर्म है। है, मैं यहाँ रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा तो फिर पी लेना। वैसे कल कंपटीशन के लिए कौन सा गाना चुना तुम दोनों ने? गाना बताना। हाँ, वो है एक प्यारा सा गाना। हाँ, बहुत प्यारा सा गाना जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा। नहीं सुना होगा तो एक काम कर, डांस करके दिखा दे, हम भी तो देखें क्या सीख कर आए। हाँ हाँ, दिखाओ ना। मम्मा, कर देख लेना। You know what, मम्मा? हमने ना आप सबके लिए सरप्राइज प्लान करके रखा है। Okay. ये सरप्राइज देना चाहते हैं। Seriously, आयो कोई शौक ना हो। अब भैया, इस बैग में क्या है? अब कुछ नहीं, मैं अंदर रख के आती हूँ। पर बताओ तो सही, इसके अंदर है क्या? इसमें हमारे डांस के कॉस्ट्यूम्स हैं ना? बस चुपचाप बैठ जा यहाँ पर। उसने कहा ना कल सरप्राइज देगी, और लड़कियों के कॉस्ट्यूम देखने तुझे नालायक, बैठ। क्योंकि वो लड़की जो है, चुप चुप। गिनी, तो एक काम कर, मुझे गाने दे दे, मैं घर में प्रैक्टिस करती रहूंगी। हाँ, लेकिन एक बार हम दोनों साथ में रिहर्सल कर लेते हैं, फिर तू अकेली करते रहना। कूल, चल गाना तो सुन ले पहले। हाँ, आई थिंक वो म्यूजिक वाले बोल रहा होगा। हाँ, मिल गया। ओपन कर, ओपन ओपन।
बंद हो गया। हमें ना 5-6 बार ये गाना सुनना पड़ेगा, तभी बोल याद होंगे। राशि, गिनी, खाना खाने आ जाओ। अच्छा सुन, मेरे पास ना 2 MP3 प्लेयर्स हैं, तो हम खाना खाते खाते सुनते हैं। व्हाट्स इट? ओके, चल मैं एक मिनट लेके आती हूँ। क्यों गिनी, पालक पनीर दो। गिनी, पालक पनीर दो। नहीं माँ, नहीं चाहिए। इतने जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? ओए, क्या सुन रहे तुम लोग? तुम दोनों गाना सुन रहे हो ईयरफोन लगा के, क्यों? बेटा, खाना खाते समय खाने पे ही ध्यान देना चाहिए, वरना जो खाना तुम खा रही हो वो शरीर को नहीं लगता। सॉरी दादू, वो क्या ना कि कल हमें डांस करना है ना, तो ठीक से प्रैक्टिस नहीं हुई थी। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? वो पहले अच्छी तरह खाना खा लो पेट भर के आराम से, फिर जाके प्रैक्टिस कर लेना। है तो कूल आइडिया। इतना उत्साह इन्होंने कभी पढ़ाई के लिए तो दिखाया नहीं। ये जाने देना बहू। अब खड़ी है खरौंद के विरुद्ध।